तो चाय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात ऑपरेशन कावेरी की करेंगे। ऑपरेशन कावेरी महज एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये संकल्प है अपनों को सकुशल घर लाने का। सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने का काम दिन रात जारी है और गुड न्यूज ये है कि अब तक करीब 550 लोगों को वॉर जोन से बाहर निकाला जा चुका है। और खुद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जेदा में मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच युद्ध क्षेत्र में फंसे लोग लगातार सरकार से खुद को रेस्क्यू किए जाने की अपील करते जा रहे हैं। खबर इसी बीच ये भी आई है कि आज शाम हिंडन एयरबेस से C-17 विमान भी युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सूडान रवाना हो रहा है। उम्मीद ये बन गई है कि जल्द ही सभी भारतीय सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। हर चेहरे पर सुकून है, युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने की खुशी है, बस इंतजार है अपनों से मिलने का, घर पहुंचने का, और जल्द ही ये इंतजार खत्म हो जाएगा। ये वो पल हैं जब वॉर जोन में फंसे 121 भारतीय नागरिक इंडियन एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट से जिद्दा पहुंचे। रेस्क्यू किए गए लोगों में बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन कावेरी चला रहा है ताकि हर भारतीय सुरक्षित घर पहुंच सके। Yesterday we start the evacuation of the Indian citizen has started and actually we have been working closely with the Minister of External Affairs in India to arrange and coordinate this operation. The estimated people Indian citizens in Sudan is around 3,000. Some of them are staying in Khartoum and working there in Sudanese companies, and some of them are visiting the country for different reasons. वॉर जोन से अब तक 534 भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें से 278 को INS सुमेधा से और 256 को C-130J से लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की टीम 2400 घंटे रेस्क्यू मिशन में जुटी है। जब तक प्रभावित क्षेत्र से आखिरी भारतीय को सकुशल बाहर नहीं निकाल लिया जाता, तब तक ऑपरेशन कावेरी जारी रहेगा। दिस नीड अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन। वी प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी एंड द प्रोटेक्शन फॉर द कॉन्वॉय फ्रॉम खर्तूम टुवर्ड्स सूडान। वी प्रोवाइडेड आल्सो कॉन्टैक्ट्स पीपल अलोंग द रोड टुवर्ड्स सूडान। Hopefully this operation will continue until all Indian citizens come back safe to their home and to their families. राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में फंसे लोग लगातार अपनों को मैसेज कर रहे हैं। सरकार से खुद को जल्द से जल्द स्वदेश पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। इनकी माने तो दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या करना है, कैसे भी करके आप हमको इधर से बाहर निकालो। इधर पे बहुत ज्यादा डेंजरस वॉर चल रहा है, कब इधर बुलेट आके हम पे लग सकती है। ये बुलेट है हमारी छत पे, वो स्लेब नहीं है, डायरेक्ट वो रूफ है, उस रूफ में से ऐसी बुलेट है, बारिश की तरह गिर रही है। कौन सी बुलेट कब लग जाएगी कुछ पता नहीं है। तो कैसे भी कर से मेरा रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी से, कैसे भी करके हम लोगों को इधर से बाहर निकालो। मेरा नाम मुकेश है, मैं राजस्थान से रतनगढ़ को हूँ, चूरू जिला से। अठा मैं सूडान में वर्किंग कर रहा हूँ, सिला सेरामिक में। अठा के हालात खराब हो रहा है, युद्ध चल रहे, गृह युद्ध चल रहे हैं, तो सेना आपसरी में लड़ रही है, सेना और अर्धसैनिक बल के बीच में। तो हमारी जो कंपनी है एक ऊपर अगर फाइटर जेट जाओ तो भी टाइम गोलियां चले, तो गोला चले तो हमारी कंपनी के मायने भी आकर गिरे। हमारा जो रूम है बंग मायने भी थोड़ा स्लेब हुआ, जो बाकोनी टेना का है भी, बाद में फोर सीलिंग है भी, साहब का रूम है थोड़ा सेफ्टी को नहीं, तो भी टाइप की स्थिति है। खाने पीने की भी हमारा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कंट्रोल रूम से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है, बचाव इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। गुड न्यूज ये है कि अब तक ऑपरेशन कावेरी के तहत करीब 500 भारतीयों को वॉर जोन से रेस्क्यू किया जा चुका है। खुद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जिद्दा में मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर नजर बनाए हुए हैं।
विदेश राज्य मंत्री ने जिद्दा में इंटरनेशनल इंडियन स्कूल का निरीक्षण भी किया। यहाँ सूडान से अलग अलग जगहों से लाए गए भारतीयों को इस ट्रांजिट सेंटर में रखा जा रहा है। यहाँ से उन्हें भारत शिफ्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पूरी मेहनत करने के बाद भी फल ना मिले तो किसी का भी मायूस होना लाजमी है। अमेठी की मेधावी छात्रा भावना वर्मा का जब रिजल्ट आया तो उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसे लिखित परीक्षा में तो अच्छे नंबर मिले थे लेकिन प्रैक्टिकल में मात्र 3 अंक मिले, जिसकी वजह से वो फेल हो गई। प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जीएनटी टीम को यह खबर मिली तो हमने भावना के साथ हुई नाइंसाफी की खबर उठानी शुरू की। पता चला कि टाइपिंग एरर की वजह से भावना को 30 की जगह 3 अंक मिले थे। अब इस गलती को सुधारा जा रहा है। देखिए कैसे भावना को इंसाफ मिला और कैसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई है। भावना की गायब हंसी दोबारा लौट आई है। उनकी कामयाबी पर बोर्ड अधिकारियों की लापरवाही का जो ग्रहण लगा था वो हट गया है। जीएनटी की मुहिम रंग लाई और आखिरकार अमेठी की भावना को इंसाफ मिल ही गया और उसके रिजल्ट को ठीक करके दोबारा दिया जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ और शायद हो सकता है मेरा जनपद की मेरिट में भी नाम आ जाए। को न्याय मिले और अति शीघ्र इनका, यद्यपि हमने अपने स्तर पर इन लोगों को काफी इनकरेज किया है कि आप अगली पढ़ाई पर ध्यान दें। दरअसल अमेठी की रहने वाली भावना को ओवरऑल 94% अंक मिले हैं लेकिन प्रैक्टिकल में महज 3 नंबर मिलने से वो फेल हो गई हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट 94% नंबर ला सकता है वो प्रैक्टिकल में इतना कम मार्क्स कैसे ला सकता है। स्कूल के प्रिंसिपल शुरू से ही उन बच्चों के साथ हैं जो इस तरह की गलती के शिकार हुए हैं। भावना के साथ 7 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में हमेशा आगे रहते हैं लेकिन उनका परिणाम संतोषजनक नहीं है। हमारे यहाँ 7 लड़कों के साथ ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 3 नंबर का कोई मायने नहीं रहता। 30 नंबर का होता है 30 नंबर का जो, और ये होनहार लड़के हैं, भावना वर्मा है, उभय सजा है, एक श्रेया सिंह है, ये सब 1993-94 प्लस के लड़के हैं। रिजल्ट आने के बाद जैसे ही प्रिंसिपल साहब को इसकी जानकारी मिली उन्होंने आगे अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई और उन्होंने माना कि गलती कहीं न कहीं हुई है। हम इनको आश्वस्त करते रहे हैं कि बोर्ड जरूर इस पर सक्रियता से विचार करेगा और आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होने पाएगा और आप इस मीडिया की मेहरबानी से ये काम थोड़ा और शीघ्र हो रहा है। अमेठी के शिव प्रताप इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्रा भावना वर्मा को रिटेन में 402 नंबर मिले जबकि प्रैक्टिकल के हर पेपर में 30 नंबर की जगह सिर्फ 3 नंबर छोड़ा गया, जबकि स्कूल की तरफ से उसे हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के 30-30 नंबर दिए गए थे। इस मामूली से गलती से भावना टॉपर बनते बनते रह गई। कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मानना है कि अगर छात्रा को सही अंक मिलते तो उसका नाम प्रदेश के टॉपर छात्रों में शुमार होता। भावना वर्मा की बात कर रहे हैं, ओवरऑल वो 96% से ऊपर जा रही है। अगर उस ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं होती, उसमें जहां 30-30 चढ़ने चाहिए थे वो 3-3 नंबर चढ़ गया। इस साल यूपी बोर्ड ने परीक्षा के बाद सबसे कम समय में रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड कायम किया है लेकिन बोर्ड की इस कामयाबी के बीच इस छोटी सी चूक से भावना का भविष्य संकट में आ गया था। जीएनटी को जब छात्रा के साथ हुए नाइंसाफी की खबर मिली तो हमने उसे इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ दी। जीएनटी की कोशिश रंग लाई। भावना की आवाज हमारे जरिए न सिर्फ बोर्ड और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंची, बल्कि अब भावना के साथ इंसाफ का भरोसा भी दिया गया है। उम्मीद है कि भूल सुधार के बाद भावना वर्मा का नया रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये कहावत बरेली के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा पर बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने 51 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा जो पास कर ली है। जी हाँ बिल्कुल, देवरिया में दो सगी बहनों रिद्धि और सिद्धि ने मिसाल पेश की है। अनाथ होने के बावजूद भी दोनों बहनों ने 12वीं की परीक्षा में कमाल कर दिखाया। यही नहीं, मेरठ जेल में बंद 4 कैदियों ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके दूसरों को एक प्रेरणा दी है। कहते
कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को बरेली के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा ने सच कर दिखाया है। दरअसल बिथरी चैनपुर के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा ने 51 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास की है। राजेश मिश्रा के पास होने की खबर के बाद उनके इलाके में जश्न का माहौल शुरू हो गया। तो हमने कहा भाई गरीब लोगों की मदद करने के लिए एलएलबी करनी है। एलएलबी करनी तो इतने पढ़े नहीं थे कि जो एलएलबी कर पाते। तो मैंने फिर 8 साल से आरंभ बनाया। मेहनत और संघर्ष की ऐसी ही एक कहानी मेरठ जेल से भी आई है। यहाँ जेल में सजा काट रहे 4 कैदियों ने 12वीं और 10वीं की परीक्षा पास की है। कैदियों के पास होने की खुशी में जेल अधिकारियों ने उन्हें मिठाइयाँ खिलाई। वहीं देवरिया में 2 जुड़वा बहनों ने 12वीं की परीक्षा में कमाल कर दिखाया है। रिद्धि और सिद्धि ने 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की है, जिसके बाद दोनों बहनों को जिला अधिकारी ने सम्मानित किया। बता दें कि कोरोना काल में रिद्धि और सिद्धि के सर से माता पिता का साया उठ जाने के बाद मिली ये कामयाबी लोगों के लिए एक मिसाल है। कल यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें करीब 90% 10वीं में और 76% 12वीं में छात्र छात्राएं पास हुए हैं। और अब ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कामयाबी की अनोखी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए चलते हैं सीधा, इस वक्त हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं और ओवरऑल सेकंड पोजीशन सौरभ की है। सौरभ, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई। अब दूसरी बात यह है कि हर कोई जानना चाहता है इतने नंबर कैसे आ जाते हैं बच्चों के। मैम बस ये गुरुजनों का और माता पिता का आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है और उन्होंने इस जर्नी मेरा साथ दिया और डिसिप्लिन और मोटिवेशन मेरा, मेरी कंडीशन, मेरी पारिवारिक कंडीशन रही थी और गुरुजनों के सपोर्ट से और अपनी मेहनत से अपने आत्मविश्वास के दम पे मैंने मार्क हासिल की। सौरभ, मैंने ना आपका अभी आपसे बातचीत करने से पहले आपका इंटरव्यू की कुछ लाइंस पढ़ी, जहां पर आपने कहा कि पेरेंट्स का फुल सपोर्ट, फैमिली का फुल सपोर्ट जिससे मैं आगे बढ़ सका और मैं ये चाहता हूं कि फ्यूचर में उनका नाम रोशन कर सकूं। ड्रीम्स क्या हैं आगे आपके? मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो IIT बनना है और मेरा लॉन्ग टर्म गोल IAS बनकर देश की सेवा। क्या बात है, क्या बात है सौरभ। यूपी बोर्ड जो होता है वो CBSE बोर्ड से काफी टफ होता है, तो प्रिपरेशन में कितनी मेहनत लगी? मैम मैंने कभी घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं की थी। मैं एक डेली गोल सेट करता था, उसको अचीव करता था और डिफिकल्टी तो है मैम, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो काफी थ्योरेटिकल की वजह से मार्क्स भी कटने के चांस होते हैं। तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी किया करता था जितना भी टाइम मिलता था, और अगर मेरे घंटे उस हिसाब से नहीं हो पाते थे या मेरी स्पीड कम थी राइटिंग की, तो उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस की थी। अच्छा ये बताइए कि प्रेपरेशन आपने कब से शुरू की, यानी कि डे 1 से तैयारी शुरू हो जाती है या फिर एग्जाम पास आते हैं तो तब किताबें खुलती हैं? नो मैम, मुझे लगता है कि एग्जाम के पास आने से पढ़ाई से क्यों पास तो किया जा सकता है, लेकिन अच्छे मार्क्स भी गेन किए जा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने डे 1 से ही शुरुआत की थी। जब 11th के एग्जाम हो चुके थे तो मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी 11th में ही, क्योंकि 11th के फाइनल एग्जाम से एक महीने पहले ही मेरा कोर्स पूरा हो चुका था और मैंने वहीं से 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सौरभ, जब भी हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो एग्जाम्स को लेकर एंग्जाइटी आती है, एक स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस को डील करने के लिए क्या कुछ करते थे? मैम बिल्कुल, जब मैं बोरिंग फील करता था तो मैं टहलने निकल जाता था, अपने दोस्तों से बात किया करता था या यूट्यूब पे गाने सुना करता था, और जब ज्यादा डिमोटिवेट फील होता था तो मैं अपने माता पिता से बात किया करता, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता था आगे बढ़ने का। तो सौरभ, आपको तो मोटिवेशन अपने मम्मी पापा से मिलता था, आप घर में बड़े हैं या छोटे? जी मैं अकेला हूँ, ना कोई मेरा भाई है ना बहन। अच्छा, यानी माता पिता आपके फ्रेंड्स। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आप उम्मीद करते हैं कि आप जो अचीव करना चाहते हैं आप उसे जल्दी ही अचीव कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुड न्यूज टुडे से बात करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू मैम। तो यूपी बोर्ड की गलतियों की चर्चा हमने की, हमने अनाथ बच्चियों और कैदियों के इम्तिहान पास करने की चर्चा भी की और अब चर्चा बोर्ड के टॉपर्स की। देखिए, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में ही छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने ज्यादा सफलता हासिल की है। कई छात्र छात्राओं ने मुश्किल हालात के बीच में शानदार अंक हासिल किए हैं। ऐसे होनहार छात्र छात्राओं की कहानी किसी प्रेरणा से कम तो बिल्कुल नहीं है। कामयाबी की नई कहानी लिखने को तैयार हैं यूपी बोर्ड के टॉपर्स। इनकी आंखों में सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए इनके हौसले आसमान पर हैं।
यूपी बोर्ड के रिजल्ट में बाराबंकी को टॉप 10 मिलाकर इन होनहार छात्रों ने जिले का मान बढ़ाया है। किसान की बेटी अनुष्का को 10वीं में 6ठी रैंक मिली है, वहीं इंटर में यूपी के शिवम पटेल को 5वीं रैंक मिली है। राजगीर मिस्त्री के बेटे विवेक कुमार यादव को 6ठा स्थान मिला है, तो कपड़ा बेचने वाले के बेटे स्वीकार वर्मा ने भी इंटर में 6ठा स्थान लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये सभी श्री साई इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग के छात्र छात्राएं हैं। अनुष्का पटेल, 6th रैंक, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 11th और 12th में मेहनत करके मुझे 12th में भी अच्छे परसेंटेजेस लाने हैं और उसके बाद नीट की तैयारी करनी है, क्योंकि वो मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। सर 5th रैंक है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देंगे आप? सर हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे सुरेंद्र सर, हमारे घर वाले, सबका योगदान रहा है इसमें, फुल सपोर्ट रहा है फैमिली का, सारे टीचर्स का सपोर्ट रहा है। क्या बनने के रास्ते डॉक्टर? किस पोजीशन पे हैं? सर 6 यूपी में 6 है। अच्छा, कैसा लगा आकर? अच्छा लगा। क्या कहेंगे अपने आने वाले जनरेशन जूनियर के लिए? यही कहेंगे कि जो मतलब टीचर बताए आपके, वैसे अच्छा से अच्छा करें और मतलब अपनी पढ़ाई को अच्छे से कवर अप करें। 6th पोजीशन आई है पूरे यूपी में। हाँ, मुझे इस समय बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा पूरा श्रेय माता पिता और टीचर्स को है। आगे चल के इंजीनियर बनने का इरादा है। मिलिए आजमगढ़ की मुस्कान से। गांव में छोटी सी दुकान चलाने वाले की बेटी की चर्चा आज पूरे यूपी में है। किसान बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा मुस्कान ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 5वां रैंक लाकर कमाल कर दिया है। मुस्कान के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। मुस्कान का सपना डॉक्टर बनने का है। बहुत खुशी हो रही है टॉप करके। तो किसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? ने भैया को, मम्मी को, पापा को, चाचा को और पूरे स्कूल परिवार को। विद्यालय में आपको कौन सा टीचर है जिसका आपसे मतलब जिससे आप ये टॉप की हैं? विद्यालय में सभी टीचर जितने पढ़ाते थे। क्या आगे क्या बनने का लक्ष्य है आपका? डॉक्टर। कन्नौज के तिरवा कस्बे में रहने वाले पीयूष तोमर ने 12वीं की परीक्षा में 4था रैंक लाकर जिले का मान बढ़ाया है। पीयूष के पिता लिपिक हैं। हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने वाले पीयूष IIT करना चाहते हैं। पीयूष सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं। कल मोबाइल ज़्यादा चल रहा है तो मोबाइल के ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, और मोबाइल से अगर लेना है तो उसकी केवल हेल्प लीजिए, जैसे किसी चीज़ को नहीं समझना है तो उसका सोल्यूशन। और लगन हो तो कहीं भी किसी भी हालात में रहकर पढ़ाई लिखाई की जा सकती है। इसकी मिसाल आगरा सेंट्रल जेल के 4 सजा याफ्ता कैदियों ने पेश की है। 2 कैदी 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, वहीं 2 कैदी ने इंटर की परीक्षा में सफलता हासिल की। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, आजमगढ़ से राजीव कुमार, कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, आगरा से अरविंद शर्मा गुड्डू, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की धार्मिक और पारंपरिक तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं। मंगलवार को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से रवाना हुई आदि शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर पहुंची, जहां से इस डोली यात्रा में भगवान उद्धव और कुबेर के विग्रह भी सम्मिलित हो गए। और इस शोभा यात्रा के बद्री धाम पहुंचने के बाद कल सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे और कल से भक्त अपने आराध्य बद्री विशाल के शुभ दर्शन भी कर पाएंगे। सृष्टि के 8वें बैकुंठ के नाम से मशहूर बद्रीनाथ के मंदिर का अलौकिक श्रृंगार जोर शोर से जारी है। कपाट खुलने से पहले बद्री विशाल को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर कमेटी, जिला प्रशासन और भगवान के सेवादार बद्री विशाल की रूप सज्जा में पूरी श्रद्धा और लगन के साथ जुटे हुए हैं। और कुछ इस तरह सज गया है बाबा बद्री विशाल का दरबार। मंदिर पर सजावट आखिरी दौर में है। 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर जब ये कपाट खुलेंगे
तब उसके बाद बाबा भक्तों को दर्शन देंगे। ये अध्यात्म है, आस्था की शक्ति है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, और ऊपर से मौसम भी मानो श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। सुनहरी धूप, पहाड़ों पर जमी ये बर्फ, हिमाच्छादित चोटियां और ठंडा मौसम श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। इन तमाम तैयारियों के बीच जैसे ही ये कपाट खुलेंगे, संभावना और उम्मीद सरकार, प्रशासन और इस यात्रा के कारोबार से जुड़े उन तमाम लोगों को है जिनकी जिंदगी इसी यात्रा से जुड़ी है। बद्रीनाथ के कपाट खोलने से पहले पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 24 अप्रैल को भगवान की सवारी गरुड़ जी का बद्रीधाम प्रस्थान का अनुष्ठान हुआ। इसके तहत जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन हुआ। इसके बाद 25 अप्रैल को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ पुजारी रावल श्री ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने योग बद्री के नाम से विख्यात पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किया। पांडुकेश्वर से अल सुबह इस शोभा यात्रा में बद्री विशाल के लीला सहचर उद्धव और कुबेर भी शामिल हो गए। दरअसल नवंबर में कपाट बंद होने से पहले उद्धव और कुबेर के विग्रह को शीतकालीन प्रवास के लिए पांडुकेश्वर लाया जाता है। यहाँ की परंपरा 6 महीने देव पूजा की है, 6 महीने नर पूजा की है। बस जैसे ही कपाट खुलने का समय आता है तो देखा जाता है बैसाख प्रारंभ होना चाहिए कि बैसाखे मासी ते देवा गच्छन्ति निज मंदिरम कार्तिके तो समागत्य पुनर्रचाम चरणचा बैसाख यानी अप्रैल और मई ये समय प्रारंभ होता मनुष्यों का, और ये जाता है नवंबर दीपावली के बाद तक अर्थात लगभग 15 से और 30 नवंबर के बीच में भगवान के श्री कपाट बंद होने की परंपरा है। परंपरा के अनुसार नरेंद्र नगर के टिहरी नरेश बद्रीनाथ के कपाट खोलने और बंद करने की तारीख तय करने के असली अधिकारी हैं। पौराणिक मान्यता बताती है कि कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ में मनुष्यों का आना वर्जित हो जाता है। मान्यता भी है कि शीतकाल में 6 महीने देवतागण भगवान बद्री विशाल की पूजा आराधना करते हैं। इस दौरान देवर्षि नारद मुख्य पुजारी के तौर पर मंदिर में तैनात रहते हैं। चंद घंटे बाद जब बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे तो मनुष्य को अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य अगले 6 महीने तक मिलता रहेगा। बद्रीनाथ से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलते हैं सीधा आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, हम आपसे जानना चाहेंगे पहली बात ये कि आप लकी हैं, आपने केदारनाथ के दर्शन किए और अब आप बद्रीनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। मौसम में कितना डिफरेंस है, क्योंकि केदारनाथ में तो बर्फ की चादर बिछी हुई थी, मौसम बहुत ज्यादा खराब भी होता जा रहा था, बद्रीनाथ का मौसम कैसा है? इस समय तापमान -3 है और रात तक पूरी संभावना है कि -6 -7 तक पहुंच जाए, लेकिन जब मैं आया था सुबह तो अच्छा खासा मौसम था। सूरज की किरणें जो है बाबा का स्वागत कर रही थी, डोली का स्वागत कर रही थी, और आपने कहा कि हाँ ये किस्मत की बात है अगर आप यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन आप तीनों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इन तस्वीरों के जरिए साक्षात बाबा के इस मंदिर के इस धाम का दर्शन कीजिए जिसे धरती का वैकुंठ या सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, कि जब 7:10 पर कपाट खुलेंगे तो आपके तमाम सारे दर्शकों को ये नजारा देखने को मिलेगा, ये दृश्य देखने को मिलेगा। वो अलौकिकता जो इस ब्रह्मांड में बद्रीनाथ धाम में दिखाई देती है, उन सब का फायदा उन लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि तमाम ऋषि मुनि कहते हैं देखिए बहुत सारे लोग सक्षम नहीं है जो बद्रीनाथ धाम पहुंच पाए, इसीलिए अगर आप कहीं से भी दर्शन मिल जाता है तो कम से कम वो फल उनको भी मिल जाएगा जो मुझे मिल रहा है, जो इस समय आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, मौसम जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर अपनी कलाबाजी दिखा रहा है। अभी ऊपरी जो आप हिस्से देख रहे हैं बादलों का डेरा है, संभवतः बर्फबारी भी हो, और ये अलग पहली बार हुआ कि देखिए अप्रैल के महीने में भी बर्फबारी हुई है यहाँ पर। तो ऊपर चोटियों पर एक तो बादल घेर रहे हैं, ऊपर कहीं हल्की बर्फबारी भी है, और इसके चलते तापमान यहाँ बढ़ गया। लेकिन व्यवस्था देखिए केदारनाथ के मुकाबले यहाँ ये अच्छा है कि यहाँ पर सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी है, चौड़ी सड़कें, तो यहाँ पहुंचना आसान हो जाता है। केदारनाथ के मुकाबले बद्रीनाथ में थोड़ी व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। अब यहाँ रावल पहुंच चुके हैं, शंकराचार्य और तमाम सारे लोग 7:10 पर कपाट खोलेंगे। आशुतोष, इस धाम के बारे में मान्यता ये है कि ये देवों के देव महादेव का धाम हुआ करता था, बाद में भगवान विष्णु ने इसे अपने लिए मांग लिया था। तैयारियों के बारे में जरा बताइए कि कल को लेकर तैयारियां किस प्रकार की हैं। ठंड के बारे में तो आप बात कर ही रहे हैं कि माइनस में टेम्परेचर जो है वो गया हुआ है, तो बताइए क्या कुछ चल रहा है।
सबसे पहले मंदिर पे देखिए, ये बाहर से तमाम सारे ऋषिकेश से सजावट करने के लिए ये जो कारीगर आए हैं, फूलों से पूरे धाम को सजाया गया है। अभी भी तैयारियां आप देखेंगे कि आखिरी पड़ाव पर हैं, ये चल रही है और लगभग रात के 10-11 बजे तक ये चलती रहेंगी। पूरे धाम की यहाँ पर सजावट है। इसके अलावा जो पूरा रास्ता है बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए, जगह जगह पर दिशा निर्देश लगाए गए हैं कि लोग किस तरह के नियमों का पालन करें, क्योंकि तो मौसम भी है और दूसरी जिस तरह की आप यात्रा पर आ रहे हैं, और वो तमाम सारे लोग जो इस समय भी देख रहे हैं और ये तैयारी कर रहे हैं कि आपको चारधाम यात्रा करनी है, तो दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें, खासकर मौसम को देखते हुए गर्म कपड़े रखें, शूज रखें, छाता रखें, और इन तैयारियों के साथ बिल्कुल स्वास्थ्य की समस्या है वो कम से कम हेल्थ चेकअप के पाए। और दूसरी तरफ और बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तस्वीरें दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए राजस्थान के एक संत ने मिसाल पेश की है। काठिया के बाबा के नाम से मशहूर संत को अपने रहने के लिए एक आवास बनाना था, उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो उन्होंने विशाल बरगद पर ही अपना आशियाना बना लिया और प्रकृति की गोद में रहने का फैसला किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संत ने की अनोखी पहल, ये नजारा उसी पहल का है। हनुमान टेकरी आश्रम के बनवारी शरण महाराज उर्फ काठिया बाबा ने अपनी कुटिया पुराने बरगद के पेड़ पर बनाकर पर्यावरण संरक्षण की एक शानदार मिसाल पेश की है। कुटिया बनाने के लिए जगह की जरूरत थी लेकिन पेड़ को काटना सही नहीं था, इसीलिए पेड़ पर ही कुटिया बना डाली। बरगद के पेड़ पर 10 फीट ऊपर इस कुटिया में राधा कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मेरे मन में एक भाव आया कि राधा माधव सरकार को कुंज में रहने का बहुत शौक रहता, तो मैंने राधा माधव राधा रानी सरकार कृष्ण भगवान की यहाँ स्थापना की और यहाँ ठाकुर जी को विराजमान किया और यहीं मैं बढ़ के ऊपर ही भजन साधना जो भी भजन पूजन है यहीं करता हूँ और गाय है, गौ सेवा होती रहती है, पक्षियों की सेवा और संत महापुरुष भी पधारते रहते हैं कभी कभी, तो ठाकुर जी की कृपा। जब भवन निर्माण की बात आती है तो ज्यादातर लोग पेड़ काटने में जरा नहीं हिचकते लेकिन आश्रम में बिना सीमेंट पत्थर और सरिये के बांस के इस्तेमाल से ही कुटिया बनाई गई है, पेड़ जहाँ थे वैसे ही है। काठिया बाबा ने जो वर्षों पुराना पेड़ था उसको नहीं काटकर जो कुटिया का निर्माण है वो उस पेड़ के ऊपर जो जमीन से 10 फीट ऊपर कुटिया का निर्माण कराया और वहां पर राधा रानी जो प्रतिमा है भगवान की प्रभु की प्रतिमा वहां भी स्थापित की। एक और खुशी की बात है जो उस मंदिर में संतगण आते हैं उन संतों के लिए भी और पत्थर और ईंट के जो है निर्माण नहीं कराकर बांस से बनी हुई कुटिया का निर्माण कराया। इस आश्रम में दूर दूर से संत और श्रद्धालु आते हैं, इसे लोग भीलवाड़ा का वृंदावन कहकर भी पुकारते हैं। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब पेश है कला संस्कृति के अद्भुत रंग। गुजरात के वेरावल रेलवे स्टेशन पर अनोखा कला उत्सव देखने को मिला, यहाँ सौराष्ट्र तमिल संगमम उत्सव मनाया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में सोमनाथ संस्कृति को भी दर्शाया गया है। तो चाय पर चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, आएंगे कल खबरों के नए पिटारे के साथ। भाई हम तो चलते हैं लेकिन आप रहिए हमारे साथ क्योंकि ठीक 6 बजे आईपीएल का धमाल लेकर आएंगे। बिल्कुल आईपीएल के धमाल में होगा दे घुमा के और लिए चलेंगे फन गली, लेकिन चाय हमारे साथ कल 5 बजे जरूर पीजिएगा। देखते रहे गुड न्यूज़।